हाय फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। एक बार फिर से आप सबका आपके यूट्यूब चैनल में बहुत बहुत अभिनंदन। और आज की वीडियो के माध्यम से हम आपको बताना चाह रहे हैं किस तरह से आप असाइनमेंट डाउनलोड कर पाएंगे, पुराने सालों का क्वेश्चन पेपर किस तरह से आप डाउनलोड कर पाएंगे, और भी बहुत सारे ऐसे फॉर्मेट हैं जिनकी आपको आवश्यकता पड़ेगी, वो आप किस तरह से आसानी से डाउनलोड कर पाएंगे। तो सबसे आसान तरीका तो ये है कि अगर आपके पास इनरोलमेंट नंबर आपका है और प्रोग्राम आपको पता ही होगा, तो देन आप स्टूडेंट सपोर्ट पे जाइए। ये इग्नू की मेन वेबसाइट है, ऑफिशियल वेबसाइट है। इसमें स्टूडेंट सपोर्ट के अंदर जाइए, यहाँ पे आपको स्टूडेंट जोन मिलेगा। स्टूडेंट जोन पे क्लिक करिए तो यहाँ पे आपको रजिस्ट्रेशन डिटेल मिलेगा। जैसे ही आप इस पर क्लिक करते हैं और इसमें आपको अपना इनरोलमेंट नंबर टाइप करना है और इसके बाद प्रोग्राम टाइप करना है। जैसे ही आप इसको सबमिट करेंगे तो आपको ये रजिस्ट्रेशन डिटेल मिल जाएगा। रजिस्ट्रेशन डिटेल के बारे में हम पहले भी आपको बता चुके हैं, इसलिए बार बार इस पर बात नहीं करेंगे। अभी जब आप एग्ज़ाम में अपीयर होंगे, आप रिजल्ट देखना चाहेंगे तो यहाँ से आप रिजल्ट देख पाएंगे। ये आप पहले एग्ज़ाम में बैठे हैं उसका भी रिजल्ट आप यहाँ देख सकते हैं, और ग्रेड कार्ड यहाँ से चेक कर सकते हैं। ग्रेड कार्ड मतलब आपको एग्ज़ाम में कितने नंबर मिले, असाइनमेंट में कितने नंबर मिले, उन सबका एक तरह से जो इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म है मार्कशीट का वो है ये। तो अगर आपने असाइनमेंट सबमिट किया है स्टडी सेंटर पे और वो असाइनमेंट के नंबर रीजनल सेंटर पे आ चुके हैं और रीजनल सेंटर से दिल्ली भेजे गए हैं, तो उस स्थिति में आप अपने असाइनमेंट का स्टेटस भी यहाँ से चेक कर सकते हैं। इसी तरह से एग्ज़ाम फॉर्म जब आप ऑनलाइन भरते हैं तो उसका भी आप यहाँ से स्टेटस चेक कर सकते हैं। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण कहना चाहिए, जो रजिस्ट्रेशन डिटेल इग्नू की साइट पे उपलब्ध है विद्यार्थी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। इसमें पूरी इन्फॉर्मेशन आपके पास उपलब्ध होती है और इसी में एक सर्विसेज ऑप्शन है जहाँ पे आप देखिए, जो मेन चीज़ है इसमें आप फॉर्म्स वगैरह डाउनलोड कर सकते हैं, रजिस्ट्रेशन फॉर्म या एड्रेस चेंज के फॉर्म, बहुत सारे फॉर्म है, प्रॉस्पेक्टस है, रिवेल्यूएशन फॉर्म। इसी तरह से जो मेन चीज़ मैं आज की वीडियो के माध्यम से आपको बताना चाह रहा था, डाउनलोड टर्मेंट असाइनमेंट पेपर। फ्रेंड्स, हम असाइनमेंट सेक्शन में पहुँच गए हैं। असाइनमेंट ये आपके कोर्स से संबंधित प्रश्नों का संग्रह होता है जिसका जवाब आपको स्टडी अध्ययन सामग्री के माध्यम से और स्टडी सेंटर पे जो काउंसलर्स होते हैं उनकी मदद से लिख के स्टडी सेंटर पे सबमिट करना होता है। और ये एक इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट है। आपका प्रोग्राम तभी कंप्लीट होगा जब आपके असाइनमेंट के, थ्योरी के, और अगर प्रैक्टिकल है आपके प्रोग्राम में तो प्रैक्टिकल, तीनों के नंबर जब आपके ग्रेड कार्ड पर अंकित हो जाते हैं, मार्कशीट पर चढ़ जाते हैं, तभी आपका प्रोग्राम कम्प्लीट होता है। इसलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो चलिए असाइनमेंट पे क्लिक करेंगे तो आपको ये स्क्रीन आप देख पा रहे होंगे, यहाँ पे सभी प्रोग्रामों के असाइनमेंट दिए हुए हैं और इसमें मास्टर डिग्री प्रोग्राम के असाइनमेंट दिए हुए हैं। अब आप लेटेस्ट असाइनमेंट हमेशा जरूरत पड़ती है तो लेटेस्ट असाइनमेंट पे क्लिक करके आप वो असाइनमेंट डाउनलोड कर सकते हैं जिस भी प्रोग्राम में आपने एडमिशन ले रखा है। तो देखिए, इसमें सबसे पहले मास्टर प्रोग्राम दिया हुआ है, फिर आप नीचे जा रहे हैं देख रहे होंगे यहाँ पे बैचलर प्रोग्राम्स के अंतर्गत जो जो प्रोग्राम है उनके असाइनमेंट दिए हुए हैं, और इसी तरह से पीजी डिप्लोमा, डिप्लोमा सर्टिफिकेट, सभी असाइनमेंट यहाँ पे, सभी प्रोग्रामों के असाइनमेंट यहाँ पे उपलब्ध हैं। आप इसको फाइंड आउट करने के लिए चाहें तो कंट्रोल एफ करके प्रोग्राम का नाम टाइप करिए, तब भी आप उस जगह पे पहुँच जाएंगे। और फिर इसको किस तरह से देखना है तो देखिए, जैसे एक प्रोग्राम होता है पोस्ट ग्रेजुएट सर्टिफिकेट इन साइबर लॉ, अब इसमें देखिए जनवरी जुलाई 2018 ये लेटेस्ट असाइनमेंट है। लेटेस्ट असाइनमेंट सबसे ऊपर आपको मिलेंगे और यही आपको सबमिट करने होते हैं, और असाइनमेंट पे लिखा भी होता है जब आप इसको डाउनलोड कर लेंगे तो इसमें पूरी इंस्ट्रक्शंस लिखे होते हैं किस तरह से आपको असाइनमेंट बनाना है। अब यहाँ देखिए जनवरी जुलाई 2018, इसका मतलब ये है कि जिन बच्चों ने जनवरी या जुलाई सेशन में एडमिशन ले रखा है 2018 में, अब देखिए 2018 में आपको पता होगा कि विश्वविद्यालय में एडमिशन दो सेशन में होते हैं, जनवरी और जुलाई, तो एडवांस में यहाँ पे असाइनमेंट वेबसाइट पे अपलोड कर दिए गए हैं। यही एप्लीकेबल है जनवरी के लिए भी और जुलाई के लिए भी, यानी कि दोनों सेशन में ये असाइनमेंट काम करेंगे। चार इसमें कोर्सेस होते हैं, उनके यहाँ पे कोड लिखे हुए हैं, यहाँ पे कुछ इंस्ट्रक्शंस लिखे हुए हैं असाइनमेंट के बारे में किस तरह से आपको बनाने हैं और किस सेशन का असाइनमेंट कब जमा करना है। तो जैसे कि जनवरी सेशन में किसी विद्यार्थी ने एडमिशन लिया है अगर विश्वविद्यालय में, तो उसे 31 मार्च तक असाइनमेंट जमा करना होता है, ठीक है। इसी तरह से जुलाई सेशन में जिन लोगों ने एडमिशन लिया है उन्हें 30 सितंबर तक असाइनमेंट जमा करना होगा। तो ये डेट्स हैं सबमिशन की, वो असाइनमेंट पे अंकित रहती हैं, और कई बार ये डेट्स बढ़ भी जाती हैं, विश्वविद्यालय अपनी वेबसाइट पे अपडेट करता है, रीजनल सेंटर में भी इंफॉर्मेशन होती है और स्टडी सेंटर में भी इस बात की सूचना भेजी जाती है कब तक असाइनमेंट सबमिट करने हैं। तो ये देखिए, ये असाइनमेंट है, इसमें क्वेश्चन पेपर की तरह होता है, इसमें क्वेश्चंस लिखे होते हैं और इनके जवाब आपको लिखने होते हैं। तो ये देखिए, इस तरह से आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं और देन इसके बाद आप इनके
के जवाब अपने अध्ययन सामग्री के माध्यम से लिख सकते हैं। तो ऑलरेडी इस चैनल पे हमने असाइनमेंट के ऊपर कई वीडियो बनाए हैं, जैसे कि असाइनमेंट किस तरह बनाएं, क्या क्या सावधानी रखें और असाइनमेंट में अच्छे मार्क्स कैसे लाएं। असाइनमेंट में अच्छे मार्क्स लाना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि आपका परसेंटाइल तभी अच्छा होगा जब आपके असाइनमेंट के मार्क्स अच्छे हों। और देखिए, ये तो एक तरह से फ्री के नंबर हैं, आप अपनी मेहनत से, ईमानदारी से आप इसको तैयार करिए और इसको टाइमली स्टडी सेंटर पर जमा करिए। और जब आप असाइनमेंट मेहनत करके बनाएंगे, ईमानदारी से बनाएंगे, तो ये जो आप प्रिपरेशन करेंगे वो आपके थ्योरी के एग्जाम में भी काम आएगा। इसलिए असाइनमेंट को बड़ी तल्लीनता से, बड़ी ईमानदारी के साथ बनाना चाहिए। तो चलिए, उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा किस तरह से असाइनमेंट डाउनलोड करना है, किस तरह से बनाना है। और हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं आपको लिंक दे दूँगा किस तरह से असाइनमेंट बनाना चाहिए, इसके ऊपर हमने ऑलरेडी वीडियो दे रखे हैं, आप उनको देख लीजिएगा तो जो भी आपके डाउट्स होंगे वो क्लियर हो जाएंगे। इसके अलावा आपका कोई और डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके भी पूछ सकते हैं। तो ये इस तरह से सभी प्रोग्राम्स के असाइनमेंट इग्नू की साइट पर उपलब्ध हैं, आप यहाँ से डाउनलोड करके और असाइनमेंट बना सकते हैं। तो एक बार फिर से आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।